वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को, 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके सभी एग्जाम में। इसमें कुछ टॉपिक्स होगा जिसमें आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में। उत्सर्जन संस्थान, कौन कौन से उत्सर्जन संस्थान होते हैं, जैसे आप इसमें ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी उत्सर्जन संस्थान होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, कौन कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन कुछ तीन टॉपिक से हमारा आज का 25 क्वेश्चंस होगा, जो आपके सभी एग्जाम, जहां भी आपको होम साइंस और बायोलॉजी का पार्ट आता है वहां सभी जगह ये इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा सही जवाब, कि ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की। दो चीजें यहाँ पर ध्यान देना है, एक तो जब हम ऑक्सीजन का पूरा जो सिस्टम होता है, जो कंप्लीट होता है, ऑक्सीजन लेना, ग्रहण करना और छोड़ना, जिसे हम श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन क्रिया के नाम से जानते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर श्वसन क्रिया में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो श्वास को हम क्या करते हैं, अंदर, अपने अंदर स्टोर करते हैं। दूसरा हम उसका निष्कासन करते हैं, और उसको स्टोर रखने, निश्वासन करने, ये दोनों ही प्रोसेस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम अलग नाम से जानते हैं। तो इसमें पहले का आंसर आपको बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे निःश्वसन, उच्च श्वसन, श्वसन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निःश्वसन। निःश्वसन क्योंकि यहां पर क्या बात की जा रही है कि ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया। अब यहां पर ऑक्सीजन न होकर यह भी हो सकता था कि वायु को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी जो वायु हम अभी अपने अंदर ले रहे हैं, उसको अंदर निहित कर रहे हैं, वहां पर अभी निष्कासन की क्रिया यहां पर कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ ग्रहण करने की क्रिया यहां पर कंप्लीट हुई है, तो इसको हम निःश्वसन कहेंगे। उच्च श्वसन का मतलब क्या हो जाता है, जब हम इस वायु को, यानी जो हमने अभी क्या किया, ऑक्सीजन यानी O2 को हमने ग्रहण किया, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को निष्कासित करने की बात करते हैं, कि जिस वायु को हम निष्कासित करते हैं उस प्रोसेस को क्या करते हैं, उच्च श्वसन हो सकता था। और ये जो दोनों ही प्रोसेस, जो ऑलरेडी दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीटली श्वसन क्रिया यहाँ पर जब संभावित या कंप्लीट पूर्ण हो जाती है, तो उसको हम कंप्लीटली श्वसन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निःश्वसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, वायु ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करना, दोनों ही चीजें सेम है, यानी कि हम श्वसन क्रिया में वायु को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि CO2 का ग्रहण करते हैं, वायु के माध्यम से कुछ परसेंटेज CO2 का भी हमारे शरीर में जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि निःश्वसन, उच्च श्वसन और स्वश्वसन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फेफड़े से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर फेफड़े की बात की जा रही है, फेफड़े से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर यहाँ पर CO2 का प्रोसेस न लिखकर यह भी लिखा जा सकता था कि जो CO2 निष्कासन प्रोसेस है, या फिर वायु के निकलने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे। आप समझ पा रहे हो, वायु को ग्रहण करना, क्योंकि इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रही हूं, क्योंकि आपके TCT एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि वायु के निकलने की प्रक्रिया क्या होती है, और यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन को भी वहां पर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये चीज तो पता ही होगा आप सभी को, कि जो हम वायु को ग्रहण करते हैं वो कौन सी वायु होती है, यानी कि ऑक्सीजन होती है, और जो हम वायु का निष्कासन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होती है, और इसी को ग्रहण करने और निकालने को भी वायु प्रोसेस यानी वायु प्रक्रिया भी यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वसन इसका कंप्लीट जो आंसर है, यानी देखो अभी हमने क्या बोला कि निःश्वसन क्या है, वायु के बाहर निकालने की प्रोसेस, लेकिन फेफड़े से CO2 का बाहर निकलने का मतलब ये हो गया
कि यहाँ पर जो आपकी श्वसन प्रणाली है, श्वसन तंत्र है, ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर प्रोसेस कर चुकी है, यानी प्रक्रिया ये अपना कंप्लीट कर चुकी है। अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट अभी नहीं हुआ होता तो हम क्या बोलते, निःश्वसन बोलते, यानी कि वायु तो हमने ले लिया लेकिन उसको हमने निष्कासित नहीं किया, यानी जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने निष्कासित नहीं किया, तो उसको हम निःश्वसन बोल सकते थे। उस श्वसन क्या बोलते कि ठीक है हमने CO2 का निष्कासन कर दिया, लेकिन किस माध्यम से, अगर हम फेफड़े के माध्यम से, क्योंकि फेफड़े में हमारा वायु का संग्रहण भी होता है, तो फेफड़े के माध्यम से जब हम वायु का निष्कासन करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस वहां पर आकर कंप्लीट होता है उसको हम श्वसन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है, स्वर यंत्र का बक्सा किसे कहा जाता है, ट्रैकिया को, ग्लॉटिक्स को, लॉरेंस को, या फिर ब्रोकाई को? राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर एक चीज याद रखना है कि थायराइड और क्रियोकॉइड से मिलकर ये बना हुआ है जो स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र का मतलब क्या हो गया कि जो स्वर यंत्र का मतलब हो गया कि जिससे हम आवाज को बोल, यानी जब भी अभी हम बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, जो हमारे आवाज निकल रही है वो हमारे क्या है, कहां से निकल रही है, स्वर यंत्र के द्वारा ही तो निकल रही है। यानी हमारे गले में एक ऐसी प्रणाली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं। अब इसके इसका पूरा जो कंप्लीट पार्ट होता है स्वर यंत्र, एक बक्से की तरह, यानी बहुत सारी इसमें चीजें होती है, तो इसमें बक्से की तरह ये एक पार्ट हो गया, तो उसका जो एक भाग होता है वो क्या होता है, स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए कार्य करती है, जैसे कि हमारे भोज्य पदार्थ जब ग्रहण करते हैं तो उसमें भी स्वर यंत्र का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं तो भी ये एक श्वसन क्रिया के एज अ पार्ट काम करता है, यानी ऐसा नहीं कि श्वसन क्रिया का मुख्य भाग है, श्वसन क्रिया का मुख्य भाग नहीं है, लेकिन ये श्वसन क्रिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो कि ये है। आंसर क्या होगा, एसडी अभि मुक्ति राय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंस इसको कहा जाता है, लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बना किससे होता है, तो क्रिकॉइड, क्रिकॉइड, क्रिकॉइड दो चीजों से बना होता है, एक क्रिकॉइड और एक होता है थायराइड, 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 ये दो चीजें हैं जिनसे ये जो लॉरिंग्स है इसका निर्माण होता है। क्लियर है, थायराइड और क्रिकॉइड की उपस्थिति का इसका मुख्यतः बना होता है, यानी इन दोनों की उपस्थिति से ही हमारा क्या होता है, लॉरिंग्स का निर्माण होता है, और जो लॉरिंग्स का ये निर्माण होता है यही किसमें काम करता है, स्वर यंत्र को बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्लियर हो गया होगा, इसमें लॉरिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर, एक स्वस्थ युवक एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अब देखो यहां से दो तीन टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कभी कभी ब्लड प्रेशर का आपका पूछ लेता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि वायु दाब है, वो कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के वायु दाब को मापने का जो, या स्वस्थ मनुष्य ना भी हो, या यहाँ पर वो ब्लड प्रेशर, जो रक्त दाब, वायु दाब नहीं, रक्त दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फिर हो जाता है कि हमारी जो धड़कनें होती हैं वो एक मिनट में कितनी बार जो मनुष्य की धड़कन है वो काम करती हैं। तीसरी चीज, हमारी श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो कितने मिनट में कंप्लीट होती है। तो इस सब टाइप के जो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो यहाँ पर बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में, टीजीटी वगैरह के एग्जाम में, या जो भी आप वन डे जीआईसी भी आप देते हो ना, वन डे के सारे एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करना होगा। एक स्वस्थ युवक एक मिनट में सांस लेता है तो कितनी बार सांस लेता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 to 18 टाइम्स, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 15 से 18 बार। क्लियर, अब यहाँ पर 15 से 18 का मतलब हो गया कि ये तो एक औसत की बात की गई है ना,
औसत की बात की गई, एवरेज की बात की गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है। आपसे बोल दिया जाए कि क्या एक स्वस्थ मनुष्य 15 से 18 बार ही सांस लेता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं जी ये क्या है, ये तो औसत की बात है, एवरेज की बात है, कि जनरली हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात कर लिया जाए कि अगर कोई इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, सीढ़ियां चढ़ रहा है, या फिर कोई हार्ड वर्किंग कर रहा है, मतलब फिजिकल वर्क कर रहा है, कोई हार्ड काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या ये यही रहेगा? बिल्कुल नहीं। उस कंडीशन में उसकी श्वास की गति क्या है, कम या ज्यादा भी हो सकती है। या फिर पूछ दिया जाए कि क्या बच्चों की सांस की जो गति होती है वो इतनी ही होती है, तो फिर यहाँ भी आप कह दोगे नहीं इतनी नहीं होती है। बच्चों की जो श्वास की गति होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन या युवक, तो यहाँ पर उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है, तो ऑप्शन के माध्यम से आप आंसर तक बेसिकली पहुंच सकते हो। ठीक है मुक्ति जी, 4 का डी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आप लोगों का, 4 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। जीवन वायुधारिता को नापा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो जीवन वायुधारिता को नापा जाता है, किससे नापा जाता है आपको बताना है, स्पेग्लोमैनोमीटर से, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, स्पायरोमीटर से। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 का सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि जीवन वायु धारिता को नापा जाता है, यानी कि जो यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, एक चीज यहाँ पर आप मैंने बाद में एडिट नहीं करवाया, काफी लेट हो चुका था, इसलिए जहां कभी कहीं भी आपको आगे वाला जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको जैसे तंतु दिखाई देगा, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आपको मिलेगा, फाइबर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि ये तंतु अलग है वो तंतु अलग है, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश वर्जन में आपको ऐसी चीजें मिलती है तो थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आई है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 का बी बैरोमीटर, बैरोमीटर नहीं होगा जी, बैरोमीटर से क्या होता है, इससे वायु का दाब नापते हैं, एयर सॉरी यहां पर क्या आ गया, थर्मामीटर नहीं है, बैरोमीटर से वायु का दाब मापते हैं, न कि जीवन वायु धारिता नापते हैं। ये होता है वायु दाब, एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेशर होता है ना, उसको नापने वाले को हम बोलते हैं बैरोमीटर। यानी कि यहां पर हम वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, समझ गए? वायुमंडलीय दाब को मतलब जैसे अभी मैं खड़ी हूं या आप जहां भी कहीं होंगे, तो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर मास होगा ना, तो एयर मास का आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर तो बनी रहा होगा, तो माना जाता है कि लगभग 70 अराउंड कुछ है, 78 या 72 आप देख लीजिएगा, इतने का औसत भार हम प्रत्येक मनुष्य के सर पे दबा होता है, यानी उतना भार हम लोग लेकर चलते रहते हैं डेली वे में। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेयर की जो वायु प्रेशर है उसको बैरोमीटर से नापते हैं, और यहाँ पर वायुधारिता, जीवन वायुधारिता यानी जिससे हमारा जीवन बना हुआ है, वायुधारिता को नापा जाता है किससे, थर्मामीटर से, आपको पता है तापमान को नापते हैं, स्फेग्लोमैनोमीटर से आपको नापा जाता है क्या, ब्लड प्रेशर नापते हैं, यानी रक्त दाब को नापा जाता है। सो राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डी आंसर। 5 का ए नहीं होगा उषा जी, ए नहीं होगा, आप सभी लोग ए बोल रहे हैं, ए नहीं होगा किसी का भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चारों ही का आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो चारों ही ऑप्शंस आपको याद रखना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, स्फेग्नोमैनोमीटर से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना, रक्त दाब, इसको मापने वाला यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब तो नापा जाता है, लेकिन एटमोस्फेयर का वायु दाब नापा जाता है, वायुमंडल का दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। थर्मामीटर से आप सभी को पता है तापमान मापी यंत्र है, और स्पायरोमीटर से हमारा जीवन वायु राशिता को नापा जाता है। क्लियर हो गए होंगे, डिलीट मत करिए आप लोग आंसर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का गलत भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 6 नंबर पे, घ्राणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय क्या होती है, ऑल्फैक्ट्री इज, अब आपको बताना है ऑल्फैक्ट्रीज क्या होती है। ऑल्फैक्ट्रीज का मतलब होता है जिससे आप सुगंध ले सको। अगर आपको ऑल्फैक्ट्रीज का मतलब पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, आंख कान नाक और जीभ। इसमें राइट आंसर क्या होगा,
क्योंकि इसका मीनिंग ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड दे देता है, ध्यान इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूंघने की क्षमता इसको बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी को सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हम सूंघते किससे हैं, नाक के माध्यम से सूंघते हैं कि कोई चीज, कोई स्मेल कैसी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि पुरुष और स्त्री में जो इसका प्रतिशत होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल फिलहाल के, तो पुरुषों का अगर पूछा जाए यहाँ पर, सॉरी मैं इसमें नहीं बता रही हूँ आपको, स्फैग्नोमैनोमीटर में हमें बताना था ये चीज। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना, पीछे चल के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो यहाँ पर एक चीज और आपको याद रख लेना है, ये पॉइंट मुझे अभी याद आ गया फाइव वाले में, कि जो स्फैग्नोमैनोमीटर है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर, इसकी बात अगर हमने कर लिया, स्पाइरोमीटर की बात कर लिए, तो स्पाइरोमीटर इसका राइट आंसर था, आप सभी को पता है। इसमें एक पॉइंट आपको और जोड़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष और महिला की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर मिलता है स्पाइरोमैनोमीटर में, यानी कितनी वायुधारिता पुरुष में होनी चाहिए और कितनी महिला में होनी चाहिए। तो इसके बारे में याद रखना है 4300 घन सेंटीमीटर, 4300 घन सेंटीमीटर ये पुरुष की वायुधारिता होती है, और महिला की वायुधारिता जो होती है वो 3100 घन सेंटीमीटर ये महिला की वायुधारिता होती है। यानी एयर कैपेसिटी की बात की जा रही है, जितना हम एयर को अपने जीवन जीने के लिए जो कैपेबल बना सकते हैं, कैपेसिटी होती है, उसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पॉइंट एक छूट गया था, आपको बताना था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फिर से उसी क्वेश्चन पे। आपको पता है नाक के माध्यम से हम सूंघ सकने में सक्षम होते हैं, और ये हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में भी मेका भी पार्ट है, यानी कि फाइव ज्ञानेंद्रियां जो हमारी होती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, तो वो फाइव होती हैं, जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ, और यहाँ पर जो पांचवा है वो आपका त्वचा यानी कि स्किन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर त्वचा यानी कि स्किन आ जाता है। फाइव ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है कि जिससे हम कुछ फील कर सके, जिससे हम कुछ सीख सके, जिससे हम कुछ समझ पाए। आंख से आप देखकर कुछ चीजें समझ सकते हो, कान से सुन के समझ सकते हो, नाक से किसी चीज का स्मेल पता कर सकते हो, और जीभ से आप किसी चीज का टेस्ट पता कर सकते हो, और त्वचा के माध्यम से भी आप ठंडा और गर्म की अनुभूति कर सकते हो। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, फाइव ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं इंसान के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल्फैक्टरी, आपको याद रखना है। आपको अगर ये टफ लगता है ऑल्फैक्टरी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी ऑल्फैक्टरी फैक्ट्री करके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ मीनिंग आए, टेक्निकल वर्ड्स आए, टेक्निकल वर्ड्स का मतलब कि ऐसा कुछ हिंदी, जो हिंदी भी डिफिकल्ट लगे और इंग्लिश भी उसका आपको पता ना हो, तो उसका दोनों ही लैंग्वेज आपको याद करना जरूरी हो जाता है। तो इसमें आप दोनों ही लैंग्वेज याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। लॉरिंग का कार्य क्या होता है? आंसर कीजिए, लॉरिंग का कार्य क्या होता है? भोजन को ग्रास नली में जाने देना, भोजन को श्वास नली में जाने देना, या फिर भोजन को श्वास नली में जाने देने से रोकना, या इनमें से कोई नहीं। पहला क्या है? भोजन को ग्रास नली में जाने देना, भोजन को श्वास नली में जाने देना, और यहां पर श्वास नली में जाने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचोगे कि मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, दो बार क्यों बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी जानना जरूरी है कि आपको कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, कौन सी को नहीं करना है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरा ही बोल देते हैं, ऐसे ऐसे हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ये आपका रॉन्ग हाईलाइटर होता है, जो कि एग्जाम में हमें गलत क्वेश्चन करने में सहयोग देता है, ना कि सही क्वेश्चन। सेवन का ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, लॉरिंग्स का कार्य क्या होता है? लॉरिंग्स, अभी हमने बताया था 7th में आपको, जब हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कि लॉरिंग्स वहां भी ऑप्शन में था, जिसको हमने बताया था कि कौन कौन से कार्य होते हैं। ये श्वास यानी कि लॉरिंग्स का काम बेसिकली होता है ना, श्वसन तंत्र में हमारा, ये श्वसन तंत्र नहीं, आवाज को, साउंड को आप प्रोडक्ट
एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट करने में भी काम करता है। लॉरिंग्स क्या होता है, साउंड सिस्टम से रिलेटेड है, यानी हमारी बॉडी में जो हमारी आवाज आती है उसमें लॉरिंग्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बेसिक अगर हम बात करें। लेकिन क्या सिर्फ हमारे साउंड के लिए लॉरिंग्स काम करता है? तो बिल्कुल नहीं। लॉरिंग्स का साउंड के साथ साथ भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देने में भी काम करता है, ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों चीजें याद रखना है। लॉरिंग्स का दो यहाँ पर कार्य हमने देख लिया, एक तो हमारे आवाज को बनाए रखने में, यानी साउंड को बनाए रखने में या साउंड के लिए इंपॉर्टेंट है ये लॉरिंग्स, और दूसरा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का भी ये कार्य लॉरिंग्स का होता है। सेवन का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेवेंथ एट नंबर पे। फेफड़े में प्राण वायु यानी टाइडल वायु होता है। फेफड़े में टाइडल वायु कितना होता है, जब आपका जब सांस का श्वसन का आप जब भी जाओगे डॉक्टर के पास, तो आपका श्वास की अगर कोई बीमारी है तो आपसे वो किसी तरीके से वायु को लेकर माउथ से स्मोथ से लेकर और उसको निष्कासित करने की बात करेंगे, और वो ये देखेंगे कि कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर या कितना भी आप किस तरीके से वायु को ग्रहण कर लेते हो। तो सेवन का ए सभी लोग ए बोल रहे हो, से ए नहीं होगा पूजा शुक्ला, सेवन का ए नहीं होगा बिल्कुल भी। आप देख लीजिएगा सेवन का जाने देना नहीं होता है, रोकना होता है, श्वास नली में जाने देने से रोकना होता है। लॉरिंग्स का सी ऑप्शन सही होगा इसका, आप एक बार चेक कर लीजिए राइट आंसर है। एट का फेफड़े में प्राण वायु टाइडल वायु कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा 350 से लेके 500 सीसी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 350 से 500 जो हमारे शरीर में जो फेफड़े में वायु की जो विद्यता होती है, यानी जो वायु हम रख सकते हैं उसकी क्वांटिटी 350 से 500 सीसी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नाइन नंबर पे। उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हो गया जो हम उत्सर्जित करते हैं, जो निष्कासित करते हैं, जैसे मल मूत्र हो गया तो इसमें, या पसीना का भी निष्कासन होता है, तो कुछ निष्कासन एक्सटर्नल यानी त्वचा से होता है और कुछ किस ग्रास नलियों द्वारा, ग्रास नली नहीं, कुछ नली के माध्यम से होता है या ब्रिक के माध्यम से भी होता है। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मलाशय में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में, यकृत में या ब्रिक में। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर क्या होगा। सोनम पांडे जी आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करें प्लीज, नाइन का सही जवाब आपको बताना है। नाइन का राइट आंसर बताना है आपको। नौ का सही जवाब, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको उत्सर्जी पदार्थों की बात करती है, तो ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है, किडनी, दोनों ही चीज आपको याद रखना है, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या करना करता है, यानी ब्रिक का काम जो होता है वो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और मूत्र नली द्वारा यूरिन का जो निष्कासन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो ये भी याद रखना है। जब आप देखोगे ना किसी का किडनी की अगर प्रॉब्लम हुई होगी या किडनी डैमेज, आपने सुना होगा कि किसी का किडनी डैमेज हो गया, तो डॉक्टर पहले क्या बोलते हैं कि उसके लक्षण जो बताए जाते हैं, तो इसका लक्षण का एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है जिसमें यूरिन का बार बार होना, यानी जब आपको बार बार यूरिन की अनुभूति होती, भले हो चाहे ना हो लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमें यूरिन आ रहा है, तो ये काम का मतलब होता है जब आपकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो ये इसका एक लक्षण होता है। और इसी के साथ साथ आपको ये जानना है, क्योंकि यूरिन में जो किडनी है यहीं पे हमारा जो यूरिन है वो इकट्ठा होने का कार्य करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पे। मूत्र वाहिनी नली संख्या में होते हैं। अब इसमें ये जो मूत्रवाहिनी नली जो है वो संख्या में कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4, आंसर करना है क्वेश्चन नंबर डी का, 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ये संख्या में 2 होते हैं। इनका काम क्या होता है मूत्रवाहिनी नली का, कि जो ब्रिक में अभी हम जहां पढ़ रहे थे, जो ब्रिक या फिर किडनी में जो मूत्र या जो यूरिन जो इकट्ठा होता है ब्रिक या किडनी में, जो यूरिन इकट्ठा होता है
होता है उसे मूत्रवाहिनी नली में, मूत्रवाहिनी नली में मतलब जहां जिस नली में यूरिन जिस नली से बाहर निकलता है वहां पर लाना, नली में लाना इसका कार्य होता है, इसका काम होता है। समझ पा रहे हो कि इसका मूत्रवाहिनी नली संख्या में कितने होती है? दो होती है। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है जो हमारी किडनी में यानी कि ब्रिक में जो हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है उसको इस नली के माध्यम से बाहर निष्कासित करने का काम इस जो नली है इनके द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किसके तहत वो बाहर निकलता है और कहाँ पर स्टोर होता है, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रिक स्थित होता है, कहाँ पर होता है? उदर गुहा के पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर अंतिम पसलियों के सामने या फिर उदर गुहा के आगे कशेरुक दंड के दोनों ओर पहली पसली के सामने मलाशय के पीछे इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का साफ साफ आप देख पा रहे होंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जो ब्रिक का स्थिति होता है, ब्रिक मतलब फिर से मैं आपको बता रही हूँ किडनी। अब किडनी का जो सेचुएशन है, जो स्थान है वो कहाँ पर होता है? तो उदर गुहा के पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर अंतिम पसलियों में इसका स्थान होता है। आपको ये लाइन ही डिक्टो, ये लाइन आपको टीजीट एग्जाम में मिल जाएगा और आप जितने भी बुक्स आप होम साइंस के पढ़ते होंगे 1, 2, 3 जो भी आप फेमस बुक्स पढ़ते होंगे उन सभी में भी सेम टू डिक्टो लाइन आपको मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चीजों को पढ़ लेना जरूरी है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे 12 पे। ब्रिक के नतोदर भाग में एक गड्ढा होता है उसे क्या कहते हैं? नतोदर का मतलब है कि कुछ इस टाइप का भाग होता होगा, इस टाइप से कुछ लाइंस बनी होती होंगी या कुछ निष्कासन का कुछ प्रोसेस यहाँ पर होता होगा। तो ये जो ढलान आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? नतोदर बोलते हैं। यहाँ पर कनकेव बोलते हैं, कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी। तो ब्रिक के नतोदर भाग में एक गड्ढा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। हाइलम कहते हैं, बोमैन कैप्सूल कहते हैं, ग्लोमेरुल्स कहते हैं या हैंस का लूप कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो यहाँ पर जब आप किडनी देखोगे ना, किडनी बना हुआ, तो कुछ जो इसका किडनी का इस तरीके से जो भाग होता है ना, यहाँ वाला इस तरीके से यहाँ पर, तो ये कुछ यहाँ पर नलिकाएं आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से बनी हुई, जिसका मुंह यहाँ पर रहेगा यानी माउथ यहाँ पर रहेगा। ये जो ढलान होता है इस तरीके से होता है, तो इसी को बोला गया है नतोदर ढाल। अब इसको क्या बोला जाता है? हाइलम कहते हैं, बोमैन कैप्सूल। तो इसमें आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा 12 नंबर का, वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइलम कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? हाइलम हो जाता है, हाइलम ही इसको कहते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे यहाँ पर कि इसके कौन कौन से पार्ट है, प्रॉपरली इसको फिगर आउट करके वहां पर हम देखेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर चीजें बाकी के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये किडनी का एक पार्ट होता है जो नतोदर ढाल जहाँ पर होता है वहां एक गड्ढे की तरह दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मेडुला घिरा होता है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? मेडुला किससे घिरा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्टेज से, बोमैन कैप्सूल से, संग्रह नलिका से, हेनले के लूप से। 13 का राइट आंसर क्या होगा? मेंडुला घिरा होता है। मेंडुला ये भी पार्ट होता है हमारे किडनी का, तो ये भी आपको पता है। इसमें छोटे छोटे इस तरीके से बाल की तरह, घने बाल की तरह इस तरीके से घिरा होता है जो हमारा मेंडुला होता है। तो ये जो इस तरीके से घिरा होता है ना, ये वाला इसी से घिरा होता है जो बिल्कुल सराउंडिंग होता है, बिल्कुल किनारे किनारे होता है, जिसको कार्टेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा मेडुला किससे घिरा होता है? कार्टेक्स से, या कार्टेक्स ऐसे भी पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में कि कार्टेक्स जो है वो किसको घेरने का काम करता है? तो मेडुला घिरा होता है, या मेडुला को कौन घेरता है? तो कार्टेक्स के द्वारा घिरा होता है। दोनों ही उलट फेर करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो दोनों ही आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे 13, 14 नंबर क्वेश्चन पे।
ब्रिक की सबसे महत्वपूर्ण तथा सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की बात की जा रही किडनी की सबसे महत्वपूर्ण तथा सूक्ष्म यानी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका, मूत्र मार्ग। 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो कि ब्रिक की सबसे छोटी, जैसे हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वैसे ही जब हमारे ब्रिक के यानी बॉडी पार्ट के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसकी भी कुछ छोटी इकाई होती है जिसे हम नेफ्रॉन यानी ब्रिक की सबसे महत्वपूर्ण ये होती है और सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। 14 का यहाँ पर ए आंसर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 पे। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन होता है, ये कहां पर होता है? 15 का आपको राइट आंसर बताना होगा, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? 15 का सही जवाब बताना है। तो इसमें नाम से ही आप समझ पा रहे होगे, देख पा रहे हो कि कुछ ऑप्शंस आपको नाम से ही मिल जाएंगे। तो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन जो होता है वो ग्लोमेरुल्स में होता है, ये आपको याद रखना है। इसका सिंपल सा आंसर आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर पे। मेलालिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, मेलालिन नामक वर्णक कहां पर पाए जाते हैं? त्वचा के मेलानोपोर कोशिका में, त्वचा के रक्त वाहिनियों में, त्वचा के श्वेत ग्रंथियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? सोलह का सही जवाब क्या होगा? अब इसका 16 का सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, आप सभी को पता होगा त्वचा के मेलानोपोर कोशिका में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे मेलालिन नामक जो वर्णक होता है इसका काम क्या होता है, अगर पूछा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसको कलर को कंट्रोल करना काम होता है। जैसे मेनली हम लोग बोलते हैं ना कि कोई ज्यादा डार्क होता है यानी काला गोरा जो वर्ण रंग होता है वो किसके वजह से होता है? मेलालिन नामक ग्रंथ के वजह से होता है। इसी वर्णक के वजह से जो हमारे बॉडी का कलर चेंज होता है इसी के वजह से होता है। कलर कंट्रोल करने में ये कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या कार्य करता है? तो ऑब्वियसली बात है ये पाया कहाँ जाता है, ये भी कभी आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी फुदक फुदक के चलने वाले जीवधारी होते हैं उनके स्किन में भी ये कलर पाया जाता है, जो कि रंग बदलने में भी यानी जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट जिसको कहते हैं, रंग बदलने में काफी महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि क्या तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो ऐसा। तो इसमें मैं आपको याद रखना है, गिरगिट हो गया या फिर फ्रॉग हो गया यानी कि मेंढक हो गया, मेंढक के जो स्किन है जो इसकी त्वचा है इसमें भी ये मेलालिन नामक पदार्थ पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। तो ये भी आप सबको यहाँ पर, हाँ बिल्कुल पूजा जी सही आप कह रहे हो, मेलालिन नामक जो वर्णक है इसके कारण ही लोगों का कलर काला या गोरा दोनों की बात करेंगे, सिर्फ काला नहीं इसके गोरे होने का, यानी इसकी अधिकता से लोग काले हो जाते हैं और इसकी कमी से लोग गोरे हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज आपको याद रखना है कि इसी के कारण क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है, कलर गोरा काला अधिक और कम होने के वजह से होता है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि इसके कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तंत्रिका तंत्र बना होता है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है तंत्रिका सूत्रों से, ब्रिक से यानी किडनी से, नेफ्रॉन से, उत्तकों से, टिश्यूज से। आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है नाम में ही छुपा हुआ है, आपको पता होगा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रिक से तो बना नहीं होगा, सभी काट दोगे, नेफ्रॉन ब्रिक का पार्ट है, उत्तक हमारे टिश्यूज यानी ये हमारे बॉडी के पार्ट से। तो तंत्रिका सूत्रों से यानी बहुत सारे तंत्रिका सूत्र होते हैं यानी बहुत सारे नर्वस जो सोर्सेस होते हैं उसके द्वारा हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर यानी पूरा जो नर्वस सिस्टम है जिस जो हमारे कार्य क्रिया प्रणाली को करने में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सहयोग देती है वो हमारे नर्वस सोर्सेस से बना होता है। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो कभी भी पूछा जाए तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नर्वस सोर्सेस से, यानी तंत्रिका सूत्रों से बना होता है, ब्रिक से नहीं बना होता। और नेफ्रॉन ये पार्ट है किसका, ब्रिक का। उत्तक हमारे शरीर हमारे त्वचा में उत्तकों की संख्या पाई जाती है जो हमारे सेल्स कोशिका को भी निर्धारण करते हैं। यानी निर्धारण क्या, सेल्स तो हमारा अलग हो गया, उत्तक अलग हो गया, दोनों ही अलग है, लेकिन दोनों हमारे बॉडी के पार्ट्स के रूप में भी या उसके अंग के रूप में भी हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 नंबर क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र को मुख्य भागों में बांटा गया है, कितने भागों में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 5, 2 या 7। राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का, 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तंत्रिका तंत्र को मुख्य भागों में बांटा गया है। देखो यहाँ पर अगर मुख्य नहीं होता तो आप 3 के साथ जा सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुख्य की बात कर दी गई है तो आप 2 भागों में ही जाओगे, यानी सिर्फ 2 भागों में मुख्य भागों को बांटा गया है। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुख्य भाग 2 भाग जो है, एक होता है सेंट्रल यानी कि सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला हो जाएगा, और जो दूसरा इसका सिस्टम आ जाता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र होता है। क्लियर। तो ये जो 2 मुख्य भाग हैं वो आपको याद रखना है, पहला कौन सा है, सेंट्रल या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका पहला भाग है, मुख्य भाग है, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र इसका दूसरा मुख्य भाग है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फॉर द 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। क्लियर। 18 का ए नहीं होगा सुमिता जी 18 का एक नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 भागों में नहीं, 3 भागों में आप फिर से सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसको फॉर द 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न कि पूरे सिस्टम को। पूरे सिस्टम को 3 भाग में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य की बात की गई, जब भी यहाँ पर मुख्य की बात की जाएगी तो आपको मुख्य में 2 ही चीजें याद रखना है, कौन कौन से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही याद रखना है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि 19 पे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होता है, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या उपस्थित होता है, केवल तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु एवं तंत्रिका कोशिका, केवल तंत्रिका कोशिका या फिर नेफ्रॉन। तो आपको पता है नेफ्रॉन किसका पार्ट है, ये हमारे ब्रिक का पार्ट होता है, किडनी का पार्ट होता है, आप सभी ने देख लिया, तो इसका राइट आंसर तो ये होगा ही होगा नहीं। अब 3 बच जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, 3 में से कौन सा सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र में। तो यहां पर देख लो, एक चीज याद रखना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे हमने बताया कि जो नर्वस सिस्टम है उसका 2 मुख्य भाग होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो उपस्थित होता है वो केवल की बात की जाए, एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पर केवल शब्द दिया होगा उसको आपका चांसेस होता है 90% चांस होता है कि केवल शब्द वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग होते हैं 90%। 1-2% हो सकता है सही हो जाए किसी क्वेश्चन में, लेकिन 90% जब आपको पता ना हो तो आप 90% के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका तंतु भी यहाँ पर स्थित होता है। अब तंतु यहाँ पर फाइबर लिखा होगा, इसको आप कंसिडर मत करिएगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम, यहाँ पे तंत्रिका तंतु की बात की जाएगी, यानी ये सिस्टम होगा, सिस्टम यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, सिस्टम की बात की जा रही है, तो सिस्टम है न कि तंतु यानी फाइबर नहीं है। तो जहां भी अब इसके बाद जो भी आपको 4-5 क्वेश्चन में फाइबर लिखा हुआ दिखेगा, मींस आप समझ जाएगा कि वो फाइबर नहीं है, वो तंतु का मतलब सिस्टम की बात की जा रही है, तंत्रिका तंत्र यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सॉरी, नर्वस सिस्टम नहीं, तंत्रिका तंत्र की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हाँ नर्वस सिस्टम ही है, यहाँ पर देखो सही लिखा हुआ है, उपस्थित होता है तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होता है, तो ये सिस्टम है न कि ये। तो यहाँ पर देखो केवल है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तंत्रिका जो है यानी नर्वस सेल्स भी उपस्थित होता है और नर्वस सिस्टम भी उपस्थित होता है, तो दोनों ही चीज यहाँ पर उपस्थित होती है, यानी बोथ, ये जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
तंत्रिका कोशिका से निकली हुई छोटी शाखाएं क्या कहलाती है? अक्ष तंतु, पार्श्व तंतु, अक्ष तंतु एवं पार्श्व तंतु, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? तंत्रिका कोशिका से निकली हुई, तंत्रिका कोशिका से निकली हुई छोटी शाखाएं क्या कहलाती है? छोटी शाखाओं की बात की जा रही है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व तंतु। इसको आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारी नर्वस सेल होती है, कोशिका की बात की जा रही है, यहाँ पे तंत्र की बात नहीं की जा रही। जो हमारी नर्वस सेल होती है इससे कुछ छोटी शाखाएं निकलती हैं, बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल सी शाखाएं अलग अलग निकल के जाती हैं, जिसको हम पार्श्व तंतु के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 21 पे। केंद्र त्यागी तंत्रिका का कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल सॉलिटरी नर्वस इज, उत्तेजनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना, उत्तेजनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाना, या फिर उत्तेजनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क में ले जाने का, मस्तिष्क से उत्तेजनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना होगा कि इसमें से कौन सा कथन सही की बात पूछी गई, कि कौन सा केंद्रीय तंत्र त्यागी तंत्रिका का कार्य है। केंद्रीय त्यागी तंत्रिका का मतलब आप देख सकते हो, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल सॉलिटरी नर्वस इज की बात की जा रही है। क्या होगा 21 का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका आप देख पा रहे होंगे काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आंसर आपको बता दे रही हूँ। आप एक बार इसको स्टॉप करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना। इसका मतलब सिंपल से समझ लो आप, क्या होता है उत्तेजना, मतलब जो भी स्टिमुलस होता है ना, जिसके वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। आप सीडीपी में पढ़े होंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया होती है। जैसे अभी मेरे हाथ पे कुछ जल जल जाए, अगर मैं आग के पास हाथ ले जाऊं, हाथ मेरा जल गया, तो हमें क्या हुआ, ये स्टिमुलस हुआ जो हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करेगा कि हमारे इसको हाथ को हटा लेना चाहिए। समझ गए? जैसे आप चल रहे हो, आपके सामने कोई सांप आ गया और आप डर गए, मतलब स्टिमुलस क्या हो गया, वो सांप का आना जिसकी वजह से आप डर रहे हो, और डर क्या हो रहा है कि उत्तेजना यानी आपकी जो उत्तेजना है, स्टिमुलस है, वो आपके मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों में, यानी कि आपने सोचा कि वो सांप हमें काट लेगा और आपका बॉडी रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स क्या किया, पीछे भागने का काम किया। ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात यहाँ पर की जाएगी। आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना केंद्र त्यागी तंत्रिका तंत्र का कार्य यही होता है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा दीपशिका क्या, दीपिका वर्मा जी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको मैं बोल दे रही हूँ, आप क्लियरली सुन सकते हो। केंद्र त्यागी तंत्रिका तंत्र का कार्य है, यानी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल सॉलिटरी नर्वस सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब होता है स्टिमुलस, और इसको मस्तिष्क से यानी हमारे दिमाग से और विभिन्न अंगों में ले जाना इसका कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप गाड़ी चलाते हो, उसमें क्या होता है, इसको मोटर स्टिमुलस सिस्टम भी बोल सकते हैं। गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाते हो, आप जब प्रैक्टिस हो जाता है तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको पता होता है कि सामने ब्रेकर है, वो आपको स्टिमुलस का काम करता है। आपका दिमाग क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमें ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग से पूरे बॉडी पार्ट उससे रेगुलेट हो रहा है, कार्य कर रहा है। या फिर आप एग्जाम्पल सांप का जैसे मैंने बताया, वो भी आप समझ सकते हो। तो ये सभी क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और हमारी बॉडी किस तरीके से उसके लिए रिएक्ट कर रही है, ये चीज इससे डिफाइन हो जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22, रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है, अधस्थ चेतन को, चेतक को, अनुमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क को। राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। 22 का सही जवाब बताना है रिले स्टेशन, रिले स्टेशन। देखो रिले का मतलब यहाँ पे समझ जाओगे तो रिले स्टेशन भी समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि चार बाग और इलाहाबाद वाला रिले स्टेशन, मतलब ऐसा वो वाला स्टेशन नहीं जहां पे ट्रेन रुकती है। खैर वैसे ही आपको रिलेट कर सकते हो। अब इसको देखते हैं क्या है। रिले स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे समझ लो, ये चेतक को इंडिकेट करता है। यहाँ पर राइट आंसर पहले क्या हो जाएगा, चेतक हो जाएगा, चेतक, चेतक को चेतक ही कॉन्शियस भी आप कह सकते हो। मतलब कि
जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो ना, एक कार्य आपने किया, आपने ए कार्य को किया, आप क्या करते हो, बी कार्य को करते हो, या फिर आपने सोचा, जैसे मैंने अभी सोच लिया कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसके बाद मैंने सोच लिया, इमिडिएटली सोच लिया कि पढ़ाने के बाद मुझे घर जाना है, मैंने सोच लिया, ठीक है, लेकिन घर जाना जो मेरा कार्य है वो मेरा ऐसा नहीं कि पढ़ाना जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो पढ़ाना वाला छूटने के बाद घर जाने वाला दिमाग में आया हो, मतलब ए के बाद बी रिस्पॉन्स कर रहा है, बी के बाद सी रिस्पॉन्स कर रहा है, सी के बाद डी रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी ऐसा नहीं कि ये सब चीजें फिर बाद में भूल जा रही है, सिर्फ हम डी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिले का स्टेशन का मतलब है कि एक ही चीज, एक प्रक्रिया जो है दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है और दूसरे को आगे बढ़ाने में, या फिर कह सकते हो ऐसा नहीं है कि दूसरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पढ़ाने के बाद जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये बाद वाला कार्य बिल्कुल अकेले नहीं है, यानी इन सब से ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो रिसाइकल एक बन जाता है, उसके बाद फिर कार्य करना रिले हो जाता है उसमें, यानी एक चेन की तरह ये काम करने लगता है, वही रिले स्टेशन होता है, जिसको हम चेतक से, यानी कॉन्शियस से यहाँ पे कह सकते हो, या चेतक भी कह सकते हो इंग्लिश में भी, उससे कनेक्ट करके देखते हैं। क्लियर है? 23 की बात करते हैं, श्रवण संबंधी अनुभव प्रमस्तिष्क के खंड में उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है, खंड संख खंड में, पश्च कपाल में, पार्श्व कपाल खंड में, या ललाट खंड में। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताना है। श्रवण संबंधी अनुभव प्रमस्तिष्क के किस खंड में उपस्थित होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है, प्रमस्तिष्क यानी मस्तिष्क का भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं, वो हमने क्लासेस में देखे हुए हैं और अभी ऑफलाइन क्लासेस में आप सब पढ़ रहे होंगे कि मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क की बात हम करते हैं, जहां पर हम अनुभव की बात करते हैं, अनुभव प्रमस्तिष्क जहां पर हम किसी चीज को महसूस करने की बात करते हैं, महसूस करने की अवधारणा जहां पर विकसित होती है, डेवलप होती है, उसको हम शंख खंड के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको कुश सेल के नाम से जानते हैं, यानी वो एक ऐसा सेल होता है जहां पर हमारे मस्तिष्क की जो क्रिया होती है वो एक अनुभूति, यानी इसको एक किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एक फील कह सकते हो, उसको महसूस करने का काम करती है, एक्सपीरियंस करने का काम करती है वो प्रमस्तिष्क में। तो ये खंड शंख खंड के में स्थित होता है, न कि कहीं और। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। 24 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेतु, सुषुम्ना शीर्ष, इसमें अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। पश्च मस्तिष्क, जैसे हमने बताया अभी कि मस्तिष्क को फॉर द हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, और इसमें क्या हो जाता है, उसी के सब डिविजन होते हैं, जैसे जैसे जो जिसका जो कार्य होता है। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके डिविजन क्या है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, मस्तिष्क जो है किस तरीके से कार्य करती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, अनुमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क क्या होता है, ठीक है, और इसके जो और भी पार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया सुषुम्ना शीर्ष क्या होता है, अनुमस्तिष्क कहाँ पर स्थित होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन को वो अंजाम देता है, इस टाइप से चीजों को आपको याद रखना होगा। 24 का राइट आंसर क्या होगा, दीपिका वर्मा जी आप क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग मेंशन करें आंसर को। 24 का राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, अनुमस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्त क्रिया होता है, प्रतिवर्त क्रिया कहां पर होता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन इज सुषुम्ना शीर्ष के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सेतु के द्वारा। आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जा रही है, यानी आप कोई कार्य कर रहे हो ना, प्रतिवर्त क्रिया का मतलब कि कोई क्रिया हुआ उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि आपने कुछ बोला और मैंने रिएक्ट किया, या फिर मुझे चोट लगी और मैंने रिएक्ट किया, चिल्लाने का, बोलने का, जो भी, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, किसी एक्शन के प्रतिक्रिया में आपको जवाब देना ही रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो सिस्टम कंप्लीट होता है वो आपको बताना है, 25 का राइट आंसर कहाँ पे होगा, तो इसमें आपको सी ऑप्शन यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है, यहीं से हमारा
जो भी रिफ्लेक्शंस या आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट एक्शन की बात या रिफ्लेक्शंस भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारा आज का होम साइंस का कंप्लीट होता है। आप वीडियो में बताइएगा आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है वो है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उसका नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाता है। आप सभी ने देखा होगा जो भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं फ्लो में या फिर बोलने में या फिर कुछ और भी चीजों की वजह से, प्रिंट मिस्टेक की वजह से, तो वहां पर उसको नेक्स्ट वीडियो जो भी क्लासेस होती है सबसे पहले, यानी आज मान लीजिए आपका होम साइंस का क्लास है और कल हो सकता है जीएस की क्लास हो, तो अगर यहाँ पे भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे आपको नेक्स्ट जो भी क्लासेस होगा लाइव क्लासेस उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लाइव क्लास में भी देखते टाइम भी बता सकते हो, यहाँ पर इमीडिएटली आपका जो क्वेरीज होता है उसको सुना जाता है, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर वेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।